संभोग करने के लिए लिंग का छोटा या बड़ा होना ज्यादा मायने नहीं रखता है। कुछ लोग अपने लिंग को छोटा होने पर अपने दिमाग में कुछ हीन भावना बना लेते हैं। इससे वह मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लिंग बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। विभिन्न औषधियों से उपचार। एक, कपूर। लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग कपूर रोजाना सुबह शाम सेवन करने से लिंग की उत्तेजना कम हो जाती है। दो, बर्फ। अगर किसी का लिंग उत्तेजना से भर रहा हो तो वह लिंग को बर्फ के टुकड़ों से ढक दे। बहुत जल्द ही लिंग उत्तेजना दूर हो जाएगी। तीन, जटामांसी। 40 ग्राम जटामांसी, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम शीतल चीनी, 10 ग्राम सौंफ और 80 ग्राम मिश्री को एक साथ मिलाकर पीस लें। रोजाना यह मिश्रण 3 सेकंड 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से लिंग की उत्तेजना दूर हो जाएगी। 4. सुहागा। लिंग की उत्तेजना दूर करने के लिए 0.5 से 1 ग्राम की मात्रा में सुहागे की खील को रोजाना सुबह शाम सेवन करने से लिंगोद्रेक दूर होता है। 5. यवक्षार। लिंग की उत्तेजना दूर करने के लिए लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग यवक्षार पान में घोलकर सुबह शाम रोगी को देने से रोग में लाभ मिलता है। 6. चंदन। 3 सेकंड 4 बूंद चंदन का तेल बताशे में डालकर पानी के साथ प्रतिदिन 2 बार खाने से लिंग की उत्तेजना खत्म हो जाती है। 7. जल जमनी। लिंग की उत्तेजना दूर करने के लिए 20 ग्राम जल जमनी को पानी के साथ पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से रोगी को लाभ मिलता है। 8. राय। 20 ग्राम राय को 200 मिलीलीटर पानी में 2 सेकंड 3 घंटे तक डालें। इस पानी से लिंग को धोए, इससे लिंग की उत्तेजना बढ़ेगी, लेकिन पानी से लिंग के आगे के भाग को न धोए। 9. कीकर। 3 ग्राम कीकर बबूल की गोंद को मिश्री के साथ रोजाना सुबह शाम सेवन करने से 3 दिनों में ही रोग दूर हो जाता है। 10.10 सेकंड 100 मिलीलीटर दशमुला का रस दिन में 4 बार 6.6 घंटों पर सेवन करने से लिंग उत्तेजित का रोग दूर हो जाता है। 11. गावजवान। 20 सेकंड 40 मिलीलीटर गावजवान का शरबत बनाकर सेवन करने से रोगी में लिंग की उत्तेजना कम हो जाती है। 12. चोप चिन्यादी। 3 सेकंड 6 ग्राम चोप चिन्यादी का चूर्ण गर्म पानी या दूध के साथ रोजाना सेवन करने से रोगी के लिंग की उत्तेजना कम हो जाती है।